रेट था, तो वहाँ पे एससी एसटी कोई वहाँ पे लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, तो 60% का जो आरक्षण था वो सबन लोगों के लिए था। 700 साल का जो मुगल पीरियड था वहाँ पे भी इनके लिए सबन, जैसे अकबर का जो सेनापति था वो मानसिंह था, तो इनका रिजर्वेशन पहले से भी था, ऐसा नहीं कि नहीं सबन आरक्षण का। दूसरी बात है कि मेरा मानना है कि सर्वण जो 50% जो है, एक गिलास खाली है, एक गिलास में पानी भरा हुआ है, इसका मतलब आधा गिलास खाली है, यानी जो 50% एस सी एस टी ओ बी सी के लिए है 49.5 का, इसका मतलब जो नेक्स्ट 50% वो सर्वण आरक्षण है, और उसी को बचाने के लिए, उसको उसमें पर्दा डालने के लिए ये 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात है। संविधान आर्थिक आधार पर किसी तरह का रिजर्वेशन का बात नहीं है। 9 जजेस के जजमेंट इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पे, वहाँ पे भी 10% आरक्षण का इकोनॉमिक आधार पे, आर्थिक आधार पे ये वकालती हुई थी, लेकिन उस चीज़ को 8 जजेस ने उसको खारिज कर दिया। बात साहब एक बात बताइए, जनगणना के आधार पे समर समाज टोटल 10% आता है, उसमें से आपने यानी कि 10% अगर आप देते हैं समर समाज को उसमें आरक्षण, तो उसमें तो 100% आरक्षण चला जाता है, उसके लिए क्या बोलेंगे? नहीं, 10% आरक्षण, 10% उनको देते, उनका आबादी के हिसाब से, एक तो है कि आप आबादी के हिसाब से सबको दे दो, 100% आरक्षण करके जितना जिसका जितना संख्या भारी उसका उतना हिस्सा है। द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेशन, अगर सबको प्रतिनिधित्व, पहले तो रिजर्वेशन के बारे में लोगों को पता भी नहीं कि रिजर्वेशन है क्या, मुझे मुंबई जाना है कि दिल्ली जाना है कि अमेरिका जाना है, उसको सुनिश्चित करने के लिए मेरा टिकट बुक किया गया, दैट इज रिजर्वेशन। प्रतिनिधित्व को डेमोक्रेसी में एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उसको सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण लाया गया, ये कोई गरीबी उन्मूलन का कोई संसाधन नहीं है कि आप किसी को उठाकर आर्थिक आधार दें। अभी 130 करोड़ आबादी है, 130 करोड़ में से आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कितने जॉब है, यानी इसका बाकी जो रेस्ट पॉपुलेशन है वो 130-129 करोड़ लोगों के साथ इसका कोई उनका कैसे आर्थिक जब, उसके बाद जितने गवर्नमेंट जॉब है उतने लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी, उनका सैलरी से जॉब मिलेगा, तो उसके बाद उसी से उसका जो वेतन मिलेगा, पगार मिलेगा, उसी से उसका कोई आर्थिक विकास हो सकता है। बात सर एक बात बताइए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कभी आरक्षण की बात नहीं करी थी, तो आरक्षण आया कहाँ से था? आरक्षण की बात वो तो हमेशा रिप्रेजेंटेशन की बात करते थे, प्रतिनिधित्व की बात करते, हिस्सेदारी की बात करते, रिजर्वेशन एज इट इज अगर ढंग से संविधान को पढ़ा जाए बिटवीन आरक्षण आया कहाँ से? आरक्षण का इतिहास तो आपको बता दिया, आरक्षण का पहले ही ये 1000 साल से आरक्षण जो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होके, डॉक्यूमेंटेड नहीं होके, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में नहीं होके, एक ऑलरेडी एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देश में आज भी व्यवस्था में चल रहा है। अब बाद में आप देखो 1902 में आपके छत्रपति शाहजी महाराज ने वहाँ भी 60% रिजर्वेशन रखा कि उन क्लास के लिए जो सदियों से उनके साथ भेदभाव हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग आ नहीं पाए थे, राजवाड़ा में राजकाज में उनका कोई भी भागीदारी नहीं था, उनको उन्होंने लाए गए, तो वहाँ से हुआ। 1909 में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसी में भी फर्स्ट टाइम जो नमोशूद्राय कम्युनिटी है बंगाल के, उनको फर्स्ट टाइम वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिला। उसके बाद फिर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919 मॉन्टेगो एक्ट जो आया 99 का, उसके बाद 1935 का एक्ट था, उसमें मुश्किल से 12% समथिंग था, और बाद में जब क्लोज आज के डेट में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उस डेट का जितना पावरफुल था, जितना उन लोगों का लॉ की जानकारी, देयर वेयर एज मेनी एज 38 एडवोकेट उस डेट में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मौजूद थे, मगर उनसे बातचीत करके क्लॉज बाय क्लॉज हुआ है। सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन को लेकर, रिप्रेजेंटेशन को लेकर सबसे ज़्यादा डिबेट हुआ है, तो तमाम जो महापुरुष उस डेट पे थे, लॉ के जानकार थे, तमाम सम्मति के बाद ही ये सिस्टम को यहाँ पे इंकॉर्पोरेट करा गया था, और इसका आधार बनाया था कि सोशली एंड एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। यहाँ समझने के लिए बात है, आर्थिक जो स्थिति होता है वो टेम्पररी होता है, आज इनके पास पैसा नहीं है, मैं उनको 1 करोड़ देता हूँ, 1 लाख देता हूँ, 2 लाख देता हूँ, वो धनवान बन जाएंगे, तो ये टेम्पररी स्टेटस है। आप आर्थिक आधार पे, आप देख लीजिए कि आर्थिक आधार पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप उनका सोशल बैकवर्डनेस है, कोई कह सकता कि रामनाथ कोविंद जी का सामाजिक पिछड़ापन नहीं है? है, अगर नहीं होता तो दलित कहते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्यों मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, पूरी के मंदिर में? इसका मतलब उनका सोशल बैकवर्डनेस है। आप रिक्शा वालों को लीजिए, वो किसी जात का हो सकता है, मगर जब उसको पूछोगे कम मैं फलाना जात का, मगर उसका उसके उसके साथ रिप्रेजेंटेशन क्या है? आप एक गांव में 100 आदमी है, 100 परिवार है, हम क्या कहते हैं? अच्छा फलाना का बाप नहीं आया तो उसके बदले में उसका बेटा आया,
यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम में जो डिसीजन लिया जा रहा है इकोनॉमिक आपका बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, मिनिस्ट्री में, तो कैसे हर वर्ग, हर समाज, हर तबके के लोग आके वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में उनका रोल रहेगा, तो इसीलिए इस चीज़ के लिए ये सामाजिक सामाजिक और शिक्षित शिक्षा पिछड़ेपन को ही आधार बनाया गया था, दूसरा कोई मकसद नहीं है। ये ऑलरेडी 9 जजेस का है। मेरे को दुख होता है कि पार्लियामेंट में इतने बड़े बड़े लॉ के जानकार हैं, जानते हैं कि ये अल्ट्रा वायरस है सुप्रीम कोर्ट का, जुडिशल रिव्यू का पास है सुप्रीम कोर्ट का, कोई आएगा तो अगर उसी पैरामीटर में नहीं होता बात खारिज कर देंगे। बात बताइए, संविधान के और ये जितने भी राजनीतिक गुरु हुआ करते थे या जितने भी ये बताए थे, बिल्कुल आरक्षण के विरोध में था ये, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से बिल्कुल नहीं था, ये पारित नहीं होगा, तो ये कैसे पारित हो गया रातों रात इतनी जल्दी, जहाँ पे छोटे छोटे केसेस इतने लंबे चलते हैं, जहाँ तक ये आरक्षण की बात आई तो 2 दिन के अंदर पारित कैसे हो गया? पहले यहाँ पे जितने भी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी और जितने भी पार्टी हैं, वो सारे पार्टी के लीडर को ये खास एक वर्ग से आते हैं और उनके जितने भी नॉमिनेटेड लोग हैं उनको उस दायरे में रहना पड़ता है, बिना उसके आगे से दायरे जाके काम आप उन्होंने ये उसको ये नहीं कर सकते। अब रिजर्वेशन ही प्रमोशन का इशू था, जहाँ पे संवैधानिक अधिकार है उस बिल पे कभी लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, अभी उसके बाद फिर वो 6 महीने के बाद उसका समय खत्म हो जाता है, और आज यूनानिमसली 326 लोग प्रेजेंट रहते हैं और 323 लोगों ने उसको यस भर देते हैं, वहाँ पे आई थिंक राज्यसभा में भी वो पास हो जाता है, अभी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एसेंट के लिए, क्योंकि बिल बनने के बाद जब प्रेसिडेंट साहब का मोहर नहीं पड़ता है तब तक वो एक्ट नहीं बनता है, तो आप देख लीजिए ये कैसे प्रोसेस जल्दी जल्दी हो रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये नॉमिनेटेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटेड जो गैर बहुजन समाज का सबसे ज़्यादा, गैर बहुजन समाज का मैं खास करके शब्द यूज कर रहा हूँ, गैर बहुजन समाज का बहुत सारे लीडर है, सारे पॉलिटिकल पार्टी गैर बहुजन समाज का है, तो इसीलिए जब बहुजन समाज को रिलेटेड, अभी देखिए मुद्दा भी ये चीज नहीं होगा, शिक्षा हो गया, बेरोजगारी, भूखमारी, इसके ऊपर कोई भी बहस नहीं होता, तो ये अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो मीडिया वाले वो इशू मुद्दे को बनाते हैं। आप देख लीजिए, आप अगर कोई दूसरा कोई अगर आरक्षण का बिल को लेकर आता था, देश का दोबारा तबाही होगा, जात के नाम पे तोड़फोड़, ऐसा हेडलाइन देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है एक हिस्टोरिकल मूव, भाई 10% 10,000 लोगों को भी वहाँ पे आर्थिक मदद नहीं होता, उनके लिए तो लगभग हो गया, तो ये पहले से जो 50% सवर्ण आरक्षण था देश में एग्जिस्ट कर रहा है, क्या आप उसी को पर्दा डालने के लिए 10% का लॉलीपॉप लाए? आज देश के अंदर अधिकतर नौकरियां खत्म हो गई हैं, तो किस बात की बात करते हैं कि कहाँ पे आरक्षण मिलेगा, कहाँ पे नौकरियां मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें प्राइवेटीकरण होती जा रही है, तो कहाँ पे आरक्षण मिल पाएगा लोगों को जितने लिए है, तो ये क्या है उसके बारे में खुलासा करेंगे? देखिए देश में जब तक LPG लागू हो गया, LPG किसने लागू किया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वो पेट्रोलियम गैस नहीं है जो LPG घर में रहता है, तो इसके माध्यम से जो उदारीकरण हुआ, जिस तरह से भूमंडलीकरण हुआ, उसी से गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया। ये उस टाइम पे अर्थमंत्री थे आपका मनमोहन सिंह, ये कांग्रेस का पीरियड में हुआ, ये समझना पड़ेगा राजनीति, ये आरक्षण का राजनीतिकरण, राजनीतिकरण, उसके बाद में आर्थिक मुद्दे पे आऊँगा, ये इसका राजनीतिकरण इसीलिए किया कि अगर एक बार आर्थिक आधार पे आरक्षण तय हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन है, नेक्स्ट टारगेट, यानी इसका मतलब आर्थिक आधार पे संविधान मानती है उसको कर देंगे, इनका नेक्स्ट एजेंडा इसी पे काम, आज के डेट में जिस डिबेट पे डिबेट हो रहा है, जिसके ऊपर बहस हो रहा है, अब ये दुख की बात है, जिसको हम लेजिस्लेटर कह रहे हैं, कानून बनाने वाले लोग हैं, इस विषय के ऊपर जिक्र नहीं करते, बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ के ऊपर जिक्र करते हैं जिनको पढ़े लिखे होते, इसमें आपका OBC साहब, अभी कपिल सिब्बल साहब ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्या आपके पास कोई क्वांटिफिएबल डेटा है, आर्थिक रूप से कितने लोग पिछड़े हैं, ऐसा कोई डेटा, ऐसा कोई सर्वे हुआ है? नहीं हुआ है। और तो किस आधार पर कह रहे हो कि आप इतने परसेंट को ये करोगे, ये राजनीतिकरण है, और राजनीति इलेक्शन से पहले का जो ये मनसा है इनका, वो स्पष्ट दिख रहा है ये सारा। एक बात बताइए, जो आरक्षण जिनको सवर्ण समाज को देने की बात हुई है, क्या उनको मिल पाएगा या बाहुबली बीच में लेके चले जाएंगे आरक्षण? देखो बाहुबली जितने लोग हैं, बाहुबली तो बाहुबली है, ठीक है, वो वहाँ पे जो गरीब तबका है, मैं नहीं कह रहा हूँ वहाँ पे भुखमरी नहीं है, ये भुखमरी, बेरोजगारी, लाचारी, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, ये सारे के सारे भारत का मूल समस्या है, और उसमें बेवजह आरक्षण को घुसाया जाता है। आरक्षण का ये सारे मुद्दों पे भारत का उन्नति से लेकर अभी SC ST OBC के लोगों तक तो आरक्षण मिल नहीं पाया है प्रॉपर तरीके से, तो क्या है मतलब वो चीज़? आरक्षण जो है, जो पढ़ेगा एलिजिबल होना चाहिए ना, तो उनके पास पहुंच नहीं पाया,
अभी उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? पॉलिसी लेवल पे हायर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी का जो टॉप लेवल का रैंक है, जो चीफ सेक्रेटरी लेवल का रैंक में एक भी एससी एसटी ओबीसी का कोई कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं, जहाँ से डिसीजन मेकिंग होता है। आप देखिए जहाँ से ये बिल, सपोज कि बिल पास हो गया, एग्जीक्यूट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव बॉडी करेगा, उसको वहाँ से लागू होगा ना। वहाँ पे अगर एससी एसटी ओबीसी का कोई गैर बहुजन वहाँ पे है तो वो लागू ही नहीं करेगा। अगर एक गांव में एक आदमी बैठता है तो उसका चलने से आपको तकलीफ है, उसको उठने से तकलीफ है, उसका बोलने से तकलीफ है, उसको आप पता नहीं जाति सूचक कहते हो। तो जब आप हायर पोस्ट पे बैठे हो, बड़े बड़े पोस्ट पे वो बैठा है, वो कभी उस सीट को पूरा फुल भी नहीं करता है। वो एक ओबीसी का प्रोफेसर तक भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है, जेएनयू यूनिवर्सिटी में नहीं है। ये जेएनयू को क्यों टारगेट करा? इसी वजह से यहाँ पे एक प्रतिनिधित्व का सवाल है। पहले तो भारत की जनता जो है प्रतिनिधित्व को समझे, डेमोक्रेसी में जब तक हर तबका, हर बल, हर सिटीजन को ये महसूस नहीं होगा ये मेरा देश है और इसमें भी मेरा पार्टिसिपेशन है, तब तक ये मेरे को ख्याल के ये एक कन्फ्यूजिंग होते रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होते रहेगा। इस देश का जो राष्ट्रपति है वो दलित समाज से हो सकता है, लेकिन अगर आती है दलित समाज का प्रधानमंत्री बनने की तो सारे लोग उसके एंटी हो जाते हैं, और राष्ट्रपति बनने की बात आती है तो सब लोग समर्थन कर देते हैं, इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। क्योंकि प्रेसिडेंट, सबको पता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने किया, मगर इन यूएसए अमेरिका में क्या है, उन्होंने प्रेसिडेंटशिप को उनको उसी फॉर्म को गवर्नमेंट को सुने। मगर प्रेसिडेंट, आपको सब पढ़े होंगे आप पॉलिटिकल साइंस में कि जबकि प्रेसिडेंट क्या है, रबर स्टाम्प। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी डिसीजन लेता है इवन कि टू हैंग टिल डेथ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो दूसरी बार उनको मुहर लगाना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। तो प्रेसिडेंट होने के बाद वो बहुत बड़ा पावर नहीं है, मगर यहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात है, जो चुन के आते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने का मतलब होता है कि रियल लायक, उसके पास पावर रहता है, वो डिसीजन मेकिंग डिसीजन ले सकता है। आप देखेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि जोगी जी खड़े मैंने बैठे हुए हैं और वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खड़े हुए हैं। जिस देश में माने सर्वोच्च नागरिक को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, तो ये सबसे बड़ी अराजकता है जिस देश में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस प्रेसिडेंट का पावर ऐसा कुछ खास है मेरे को नहीं लगता। तो इसीलिए प्रेसिडेंट बनाने के लिए मेरे ख्याल में अभी वो माहौल बनना चाहिए, वो सारा चीज़ होगा, और प्रेसिडेंट बनने के लिए विरोध करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी जो है गैर बहुजन समाज का, सबसे ज़्यादा पार्टी कांग्रेस गैर बहुजन समाज का, बीजेपी गैर बहुजन समाज का, टीएमसी गैर बहुजन का, लेफ्ट राइट सब एक साथ हो जाते हैं। आप हर जगह अच्छा बिल देखो, एक साथ बिल राज्यसभा में वो बहानाबाजी किए, तुरंत पास करा दिए। आप उसको समझिए एसेंस, 1948-49 में नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहली बार ब्राह्मण आरक्षण का पास किया था। 48-47% ब्राह्मणों को टिकट देके बांट रहे थे, जीता गया। 1970 में यही कांग्रेस उसी टाइम पे बीजेपी को एजेंट, जनसंघ को एजेंट बना के उन्होंने टाइमलाइन किया है। ये इनका इतिहास है, आप उसको ढंग से इसको देखेंगे तो आपको ये सारा चीज़ महसूस होगा। ये सारे के सारे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग से नहीं है। आपसे आर्य भारती हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मैं आपका।